हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आगमे कॉन्वीडियो के साथ वापस। तो आज की इस वीडियो में तुम्हारा भाई फिर से पुशिंग करने वाला है सोलो में, वो भी ग्रैंड मास्टर के लिए। अब इसके बिना और भी चीजें आने वाली हैं, लेकिन फिलहाल तो अभी हम इसके बारे में ही बात करते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा दूसरे चैनल के लिए वीडियो रेडी करने गया था, क्योंकि मेरे क्लैश ऑफ क्लैन में जो दूसरी गेम है उसमें भाई क्लैन गेम्स आई हुई हैं, मतलब एक इवेंट आया हुआ है, तो वो मैं पूरी कर रहा था। तो नॉर्मली मैं दूसरी वीडियो रेडी कर रहा था दूसरे चैनल के लिए, और इसलिए मेरे पास इसमें भाई बनाने के लिए जो आज का एपिसोड है इसमें टाइम नहीं बचा। लेकिन मेरे पास अभी 3-4 घंटे थे, जो मैं अभी 4 बजे से पहले बैठा था आराम से, तो मेरे पास 3-4 घंटे थे, तो उसमें मैंने जो पुश किया है वो आज के इस एपिसोड में, एपिसोड नंबर 3 में आपको मिल जाएगा। और जो सीजन 41 है और मेरे 6000 पॉइंट ऑलरेडी भाई पिछले वाले एपिसोड में हो चुके थे। एक एपिसोड का टारगेट हमारा 1000 पॉइंट का था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए जितने हो पाएंगे इस एपिसोड में हम उतना करेंगे। अगले एपिसोड में हम पक्का 400-500 या उससे एक्स्ट्रा टारगेट रखने की ट्राई करेंगे, देखेंगे कितना हो पाएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, इस साल से एंड होने से पहले पहले हमको 1 मिलियन करने की ट्राई करनी है, देखते हैं हो पाएगा या नहीं। और चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो अगर एक्स्ट्रा कंटेंट देखना है, आपको फेस टू फेस बात करनी है या कुछ भी, ऐसा करके आपको नीचे ज्वाइन का बटन मिल रहा होगा, आप कर सकते हो। और मिनिमम इसका भाई ₹29 का ही मेंबरशिप है। तो बात करते हैं हमारे आज के इस मैच के बारे में। सबसे पहले इस मैच में भाई मेरे 6 किल थे, मेरे बिना टोटल 2 बंदे बच रहे थे, 2 बिल्कुल मेरे सामने थे। नॉर्मली भाई मेरे पास अभी ऑग गन थी, जिसकी अभी तक भाई मैंने 6 किल कर दिए थे, लेकिन अभी तक इसकी तीसरी चिप एक्टिवेट नहीं हुई थी। और मैं वहाँ पे अभी वेट ही कर रहा था कि थोड़ी बहुत डैमेज करके इनको ये तीसरी चिप पहले एक्टिवेट कर लेता हूँ, उसके बाद लास्ट की फाइट लड़ूंगा। और कैसा हुआ ये फाइट आप देख लीजिए। तो They watch and learn everything. The title, no runner up, gotta win it all like Michael. Competition burns like a passion, like it's primal. Got that energy that could transfer, call it viral. Get to the core, I shoot my shot like Michael. Michael Jordan to the top, it right go. I go, winning on like a maestro. Maestro, never gonna stop. Stand up, we gon' make some moves tonight. Yeah, stand up, got something to prove tonight. So stand up, we ain't gonna plan tonight. We gonna take action on our dreams and fight, alright. We ain't gonna stall, never stop. We gon' make it all to the top. We ain't gonna plan tonight. We gonna take action on our dreams and fight, alright. Yeah, time to stand up, take control tonight. Spent too much time on the planets, right? Time to execute now on your dream and life. And fight, alright. 6-7 figures. Spend money from the drive that's here. Go bigger, making money quicker. इस लास्ट वाले बंदे को मारने के बाद किंग स्लेयर का टैग एक्टिवेट हुआ, इसका मतलब इसके सबसे ज़्यादा किल थे लॉबी में। अब मेरे 8 किल थे तो इसके कितने होंगे तो आप खुद सोच लीजिए। इसलिए नॉर्मली मैंने लंबी फाइट खींची, क्योंकि इसके वेस्ट को तोड़ना था और इसकी ग्लू वॉल ख़त्म करनी थी। तो भाई मैंने ख़त्म कर दिया इसको, क्योंकि देखने से ही लग रहा था कि वो मेरे को ख़त्म कर देगा। अब उसके बाद इस वाले मैच में मेरे ऑलरेडी 6 किल थे फिर से सेम टू सेम, और 2 बंदे नॉर्मली बच रहे थे, और मैं बाकियों को ढूंढ रहा था। और ढूंढने में मेरे को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मेरे को जहाँ पे एक मॉन्स्टर ट्रक उतरते हुए दिखा तो मेरे को समझ में आ गई थी क्योंकि मॉन्स्टर ट्रक एकदम से आ जाता है एयरड्रॉप में से, तो यहाँ पे एक बंदा है तो वो मेरे को दिख गया, जो बिल्कुल ही मेरे को ख़त्म कर गया था। और दूसरा बंदा भी गाड़ी लेके जहीं पे घूम रहा था और उसको भी ख़त्म करना था। सबसे पहला मेरा मेन गोल रहेगा कि मॉन्स्टर ट्रक को तोड़ना है, दूसरा गोल मेन रहेगा उसकी गाड़ी तोड़नी है। Alright, you could get it all in some time. Make your dreams come to life. We ain't thinking small, thinking light. We just want it all in our sights. Move quicker, see the big picture. You could be selfish, you could be a giver. Go wizard, problem solve fixer. We ain't giving up till it's all delivered. Don't stop the top, we gon' make it alright. No lies, just hard working, it's a long night.
get lost, we dive deep into the place life. The cost is sweat time, yeah, worthy price. I don't care what they all say, no way. Negativity, any hate, I got no space. We gon' put our hands up to the sky. Appreciate our lives and we fight till we die. Rampage. We gon' make the moves tonight, yeah, stand up. Got something to prove tonight, so stand up. We ain't gonna plan tonight. We gonna take action on our dreams and fight, alright. We ain't gonna stall, never stop. We gon' make it all till it's out. We ain't gonna plan tonight. We gonna take action on our dreams and fight, alright. We gonna take action on our dreams and fight, alright. अब इन दोनों को लिटाने के बाद 8 किल के साथ तुम्हारे भाई को यहाँ पे बुया मिल चुका था। अब नॉर्मल मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि जब भी लास्ट जोन आने लगता है मैं उससे पहले ही सबकी गाड़ियाँ तोड़ देता हूँ। अभी भाई बहुत दिक्कत आती है नहीं तो यार लास्ट जोन में। अब फिलहाल के लिए इस मैच में भी मैंने सेम टू सेम किया था। अभी मैं जस्ट 4 गाड़ियाँ तोड़ के हटा था और एक बंदे को मार के हटा था और उससे मैं आगे बढ़ना था अभी धीरे धीरे करके। और लेफ्ट साइड में भी एक गाड़ी आके और रुकी थी और बाइक तो सामने खड़ी ही थी। मैं यहाँ पर फायर नहीं कर पा रहा था क्योंकि इस साइड से मेरी फाइट चल रही थी एक बंदे के साथ। तो बाकी ये यहाँ पे भाई एक दूसरे ने बंदे ने इसको मार दिया और जिसने इसको मारा मैंने उसको ख़त्म कर दिया। चलो इनको ख़त्म करने के बाद अभी टोटल 3 बंदे बच रहे थे और मेरे को जाना था जोन में। और जोन में भाई एक बंदा बैठा था जो काफ़ी तगड़ा मेरे पे भाई फायर दे रहा था। तो चलो इन भाई साहब को ख़त्म करने के बाद अब मेरा मेन गोल यही था कि मैं सीधा जाऊंगा स्नाइपर टावर पे बैठ जाऊंगा और वहाँ पे अगर जोन में रहेगा वो स्नाइपर टावर जो कि था अभी मेरे को लग ही रहा था तो मैं वहाँ पे बैठ के आराम से सबको ख़त्म करने की ट्राई करूँगा। लेकिन तभी मेरे पे बहुत गंदा फायर आया और भाई सामने पता चलता है एक बंदा और दूसरे की लोकेशन मेरे को अभी तक नहीं पता थी। और थोड़ी देर बाद मैं जब मैं ऊपर चढ़ा मैंने सोचा था जो मैं वो करना जा रहा था कि मैं ऊपर बैठ के फायर करूँगा तभी भाई नीचे वाले बंदों की फाइट हो गई। भाई साहब बंदे की मूवमेंट तो बहुत थी लेकिन फिर भी हमने लिटा डाला उसको जो भी था ठीक है। 7 किल के साथ बुया हमको इस मैच में भी मिला। और अब मेरे को कई बार कमेंट आते रहते हैं कि भाई और गन्स वगैरह चलाओ तो मैं इसलिए सब गेम्स में डिफरेंट गन चला रहा था। नॉर्मली अब इसमें M14 थी और ऊपर से मेरे पास M10 भी थी। चलो अब मैं सामने मेरे भाई ग्लूवल लगी हुई थी तो मेरे को लग रहा था कि दोनों के दोनों बंदे वहीं पे हैं तो मैं सीधा यहाँ पे रश करने वाला था। 9 किल मेरे ऑलरेडी थे, कॉन्फिडेंट था मैं कि भाई 9 बंदे उड़ा चुका हूँ तो इन दोनों को भी उड़ा ही दूंगा। Need advice from the future, am I alright? This fight is a simple, won't lie.
तात्सुया करेक्टर बहुत ओपी करेक्टर है, लेकिन इसको हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल काम है। जिसको इसको हैंडल करना आ गया ना, मैं सही बता रहा हूँ, उसको बीट करना भाई इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि उसको टच ही नहीं होती गोली भाई। दो बार आपको बूस्ट मिलेगा भाई साहब, दो बूस्ट में आप इजिली किसी भी बंदे को खत्म कर दोगे, लेकिन इसको हैंडल कर पाना थोड़ा मुश्किल है। आप सामने वाले बंदे पे भी फायर नहीं कर पाओगे अगर आप भाई फायर अपने ऊपर नहीं भी करवाओगे, तो भाई सेम टू सेम चीज आ जाती है वहीं पे। एक भाई इसमें प्रोस भी है और एक में कौन्स भी है, मान के चलो फायदा और नुकसान दोनों है, लेकिन जो हैंडल करना सीख गया तो भाई मजे हैं उसके। तो चलो और आगे बढ़ते हैं हम इस वाले मैच में। भाई थोड़े से मेरे किल कम है क्योंकि मेरा इंटरनेट मेरे को ग्लिच दे रहा था थोड़ा सा, और ऊपर से मेरा फोन भी काफी ज्यादा हैंग हो रहा था, नो आइडिया क्यों। सब कुछ सही था, ए से लेके जेड तक मेरी रैम वगैरह सब कुछ क्लियर थी, इतनी ज्यादा नहीं हैंग हो रहा था जितना आज हो रहा था। लास्ट के दो तीन मैच में काफी ज्यादा हुआ और मेरे माइनस भी लगे, चलो जो भी था ठीक है, लेकिन फाइट एंजॉय करो। तो चलो यहीं पे लग गए थे हमारे यहाँ पे, अब मैं क्या ही बोलूँ इस चीज़ के बारे में। तो अब देखो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जब आर्सेनल या ब्लू जोन पे उतरता हूँ ना, तब तो मेरे कोई फ़ोन हैंग नहीं होता, जबकि वहाँ पे बंदे 10-10 भी उतर जाते हैं कभी कभी तो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लास्ट के दो बंदे बच रहे थे तब हैंग कर दिया इसने। पता नहीं क्या है ग्रेना के दिमाग में, क्या चलता रहता है, कैसी गेम बनाई है इन्होंने, ना तो कोई छोड़ पाता है ना खेल पाता है, बस वही चीज़ है सेम टू सेम। चलो गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो, आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे। और अगर कुछ भी करके आपको वीडियो पसंद आ चुकी है तो लाइक भी कर सकते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, जब मन करे तब अनसब्सक्राइब कर देना अगर आपको ना वीडियो पसंद आए, अगर आ गई तो कर दो यार, सपोर्ट हो जाएगा तुम्हारे भाई को। और चैनल को ज्वाइन कर लो, और भी भाई आपको लाइव स्ट्रीम्स और लाइव अलग अलग वीडियो मिलेंगी जो सिर्फ चैनल से मेंबर के लिए रहेंगी, और अगर फ्रेंड बनना चाहते हो तब भी आपसे बातें वगैरह होती रहेंगी अगर आप चैनल को ज्वाइन करते हो। तो नीचे आपको ज्वाइन का बटन मिल रहा होगा सब्सक्राइब के साइड में, अगर ज्वाइन नहीं कर सकते तो सिर्फ सब्सक्राइब कर लो, आपको कंटेंट ऐसे ही मिलता रहेगा। और बस आज की वीडियो में इतना ही था अभी फिलहाल, तो आपको कल शाम को 4 बजे मिलते हैं हम। और अभी मेरे टोटल स्कोर 6300 ही हैं, लेकिन आगे मैं और ज़्यादा पुश कर दूंगा, अभी मैं थोड़ा सा दूसरी गेम में बिजी था। तो गाइस बस यही थी हमारी आज की वीडियो, और हाँ वीडियो को लेकर कोई सजेशन हो, लंबी करवानी हो, छोटी करवानी हो, कुछ एडिट वगैरह में चेंजेस करवाना हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, ताकि मैं अगली वीडियो में वो सुधार पाऊँ और आपको अच्छी और भी ज़्यादा अच्छी वीडियो दे पाऊँ। ठीक है, बस कमेंट सेक्शन आपके लिए ही खुला है, तो आप कर देना यार। और इस साल के एंड होने से पहले पहले हमको वो भाई 1 मिलियन करना है, बस यही हमारी उम्मीद है, हो सकता है हो पाए या नहीं, लेकिन ट्राई जरूर करूँगा मैं। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।